ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ वन कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड सरेंडर ऑफ शेयर्स. इज दैट क्लियर? अपना ये जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है ना, उसमें एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं सरेंडर ऑफ शेयर्स. क्या कहते हैं? सरेंडर ऑफ शेयर्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर. सरेंडर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, राइट? सो सरेंडर ऑफ शेयर्स मीन्स गिविंग अप पोजेशन ऑफ शेयर्स बाय द शेयर होल्डर्स टू द कंपनी. शेयर सरेंडर्स कैन बी रीइश्यूड टू डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स. कैन बी रीइश्यूड टू डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स, राइट? अभी सरेंडर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? अपना चैप्टर का नाम क्या है बोलिए? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, राइट? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी के अच्छे दिन चल रहे हैं कि बुरे दिन चल रहे हैं? बुरे दिन चल रहे हैं. कैसे दिन चल रहे हैं? बुरे दिन चल रहे. इज इट क्लियर? तो इसके लिए क्या है, सिंस कंपनी के बुरे दिन चल रहे हैं ना, तो शेयर होल्डर्स लोग क्या करते हैं, अपना कुछ शेयर है ना सरेंडर कर देते. क्या कर देते हैं? सरेंडर कर देते, मतलब कंपनी को वापस दे देते, कंपनी को वापस दे देते. तो उसको कहते हैं सरेंडर ऑफ शेयर. उसको क्या कहते हैं? सरेंडर ऑफ शेयर. क्यों वापस दे रहे? क्योंकि कंपनी के अच्छे दिन नहीं चल रहे. कैसे दिन चल रहे? बुरे दिन चल रहे. इज दैट क्लियर? तो पहला वाला पार्ट क्लियर हो गया. सरेंडर ऑफ शेयर मीन्स गिविंग अप पोजेशन ऑफ शेयर्स बाय द शेयर होल्डर्स टू द कंपनी. ठीक है, अभी सरेंडर शेयर कंपनी के पास सरेंडर शेयर आ गए ना, तो कंपनी क्या करती है पता है? वो जो सरेंडर शेयर आया ना, उससे डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स का पेमेंट क्लियर कर सकती है. इज इट क्लियर? तो जो शेयर कंपनी को शेयर होल्डर से वापस मिले हैं, वो शेयर कंपनी किसको दे सकती है? डिबेंचर होल्डर्स को या क्रेडिटर्स को, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को और क्रेडिटर्स को कंपनी को पैसा देने का बाकी है. इज इट क्लियर? तो वो पैसा तो कंपनी के पास है क्या? नहीं है ना. तो उनका पेमेंट कंपनी कौन से फॉर्म में क्लियर करती है? शेयर के फॉर्म में. किस में क्लियर करती है? शेयर के फॉर्म में. तो इसके लिए उसको क्या कहते हैं? सरेंडर्ड शेयर्स कैन बी रीइश्यूड टू डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स. ठीक है, देखिए इसको हम लोग पिक्टोरियल फॉर्मेट में देखते हैं. ये कंपनी है, ये कौन है? शेयर होल्डर्स है. इज इट क्लियर? ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने कुछ शेयर्स क्या कर रहे हैं? सरेंडर कर रहे हैं. मतलब इन्होंने 5000 शेयर कंपनी को क्या कर दिए? सरेंडर कर दिए. क्या कर दिए? सरेंडर कर दिए. तो कंपनी के पास शेयर आ गया ना, राइट? शेयर आ गया मतलब शेयर कैपिटल कहाँ पे होता है? लाइबिलिटी साइड में. कहाँ पे होता है? लाइबिलिटी साइड में. तो उतना कैपिटल कम होगा, उतना कैपिटल क्या होगा? कम होगा. इज इट क्लियर? एंट्री क्या है, मैं आपको एंट्री पे आएंगे तब मैं बता रहा हूँ, राइट? अभी ये जो 5000 शेयर कंपनी के पास वापस आ गए ना, अभी इसमें से ये बंदे लोग जो है ना, ये कौन है? डिबेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर है. कौन है? डिबेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर. तो कंपनी क्या कर सकती है? ये जो शेयर जो इनके पास से वापस मिले ना, इससे इनका पेमेंट क्लियर कर सकती है, राइट? मान लीजिए ये 3000 शेयर इसमें से इन लोगों को दे दिए, ठीक है ना? आए थे कितने? 5000, लेकिन उसमें से 3000 शेयर इन लोगों को दे दिए. तो इसको क्या बोलते हैं? सरेंडर शेयर्स कैन बी रीइश्यूड टू द डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स, ठीक है ना? देखिए फिर से मैंने यहाँ पे इसीलिए रखा है. सरेंडर ऑफ शेयर मीन्स व्हाट? गिविंग अप पोजीशन ऑफ शेयर्स बाय द शेयर होल्डर्स टू द कंपनी. मतलब इन्होंने ये जो कंपनी को वापस दे दिया, इसको क्या कहते हैं? सरेंडर, राइट? और कंपनी ने क्या किया? वो शेयर से इन लोगों का ड्यूज जो है वो क्लियर कर दिया. तो सरेंडर शेयर्स कैन बी रीइश्यूड टू डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स. इज इट क्लियर? फिर फाइनली जो बैलेंस बचता है ना, फाइनली जो बैलेंस बचता है वो किसमें चला जाता है? कैपिटल रिडक्शन में. किसमें चला जाता है? कैपिटल रिडक्शन में. क्लियर है? सरेंडर ऑफ शेयर का कंसेप्ट क्लियर है? देखिए इसका एंट्रीज अभी हम देखते हैं. सबसे पहले ये जब शेयर सरेंडर हुआ ना, इन्होंने 5000 शेयर सरेंडर किया ना, तो इसका एंट्री क्या आता है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर. इज इट क्लियर? शेयर कैपिटल को डेबिट क्यों किया? क्योंकि जितना शेयर सरेंडर होता है उतना कैंसिल होता है ना, राइट? कैपिटल लाइबिलिटी साइड में होता है, नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट. ओके, कैंसिल करेंगे उतना शेयर कैंसिल हो जाता है ना, तो शेयर कैपिटल को क्या करते हैं? डेबिट. शेयर कैपिटल को क्या करते हैं? डेबिट. और क्रेडिट किसको करते हैं? टू शेयर सरेंडर. किसको करते हैं? टू शेयर सरेंडर, राइट? देखिए अभी ये एक तरीके का लाइबिलिटी कम हुआ है और प्रॉफिट है, राइट? लेकिन डायरेक्टली हम लोग इसको टू कैपिटल रिडक्शन में नहीं लिखते हैं. क्यों नहीं लिखते बताएं? क्योंकि इसमें से हम लोग कुछ इन लोगों का ड्यूज क्लियर कर देते हैं ना, और वो ड्यूज क्लियर करने के बाद जो बचता है ना, उसको हम लोग कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करते हैं. इज इट क्लियर? अल्टीमेटली ऐसे देखने जाएगा तो इधर लायबिलिटी कम हुआ है, राइट? और लायबिलिटी कम होने पे प्रॉफिट होता है, राइट? तो प्रॉफिट पे हम लोग नॉर्मली क्या लिखते हैं? टू कैपिटल रिडक्शन. क्या लिखते हैं? तो यहाँ पे टू कैपिटल रिडक्शन क्यों नहीं लिख रहे बताएं? क्योंकि ये जो शेयर सरेंडर हुआ है ना, वो अपने को इन लोगों का पेमेंट क्लियर करने के लिए काम आ सकता है ना. तो इसीलिए क्या करते हैं, उसमें से जो भी इन लोगों का पेमेंट क्लियर होता है, राइट? अभी देखिए ये शेयर हम लोग यहाँ पे इश्यू कर रहे हैं ना. क्या कर रहे हैं? इश्यू कर रहे हैं, तो लायबिलिटी साइड में जाएगा ना, राइट? तो लायबिलिटी साइड में जाएगा तो शेयर कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट. शेयर कैपिटल क्या होगा?
क्रेडिट। और किस में से मैं इश्यू कर रहा हूँ, ये जो सरेंडर वाले में शेयर आया ना उसी में से मैं इश्यू कर रहा हूँ ना, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, शेयर सरेंडर को डेबिट कर दिया। और ये शेयर इन लोगों को मैंने इश्यू किया है इसीलिए मैंने शेयर कैपिटल को क्या कर दिया, क्रेडिट। क्या कर दिया, क्रेडिट। इज दैट क्लियर? तो अभी 5 लाख का टोटल सरेंडर हुआ था लेकिन मैंने री इश्यू सिर्फ कितने का किया, 3 लाख का। कितने का किया, 3 लाख का। तो डिफरेंस कितना बचा है, 2 लाख, राइट। वो डिफरेंस मैं किस में डाल दूंगा, कैपिटल रिडक्शन। किस में डाल दूंगा, कैपिटल रिडक्शन में। क्या एंट्री आएगा, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। एनी डाउट? द फर्स्ट एंट्री इज फॉर सरेंडर ऑफ शेयर, ओके। द सेकेंड एंट्री इज फॉर री इश्यू ऑफ सरेंडर शेयर, राइट। एंड द थर्ड एंट्री इज फॉर ट्रांसफरिंग द शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिडक्शन। इज इट क्लियर? ओके। क्यों मैंने लिया, क्योंकि जो सम अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें ये वाले कंसेप्ट पे अपने को एंट्रीज पास करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो शैल वी प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ओके। सो 2 मिनट,